चलिए सभी विद्यार्थियों का इंतजार है कि आखिरकार दोस्तों 2023 में आप लोग का 1 फरवरी में कौन सा क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। तो चलिए डेडिएशन आप लोगों को बात लेते हैं। डेडिएशन एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट तक बने रहो मेरे प्यारे साथियों। एक एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ेगा, 100% गारंटी लेता हूँ। डेडिएशन देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया एग्जाम में कई बार, कहा जाए टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो देखो टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछा जाएगा तो होता है इसका सेक आर स्क्वायर 100% मैं कर रहा हूं। डीएसओ इसी टाइप का क्वेश्चन से मिलेगा, तो पूरा का पूरा आप लोग क्लियर करते चलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करोगे वायरल क्वेश्चन का आंसर की करवाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो एग्जाम से पहले आप लोगों को वो मिल जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है तो सेक का स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा गया। डेशन एक पर कॉस एक्स का, देखो एक पर कॉस एक्स का कॉस एस आ जाता है डेशन, साथ में कॉस एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन कर देते तो माइनस साइन एक पर ए हो जाता था। माइनस साइन कहाँ पर दिया गया है तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। कहोगे कैसे सर जी, कैसे आंसर है? देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो एक पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक पर कॉस एक्स से आ जाता है और साथ में कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है डियर स्टूडेंट, ये भी होता है। तो यहाँ से देखोगे तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, काफी इजी है दोस्तों, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग विश्वास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए डीएसओन, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले आप लोगों को क्वेश्चन करवा देंगे डीएसओन। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करो तो बहुत अच्छा, डीएसओन आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन फोर एक्स का, देखो साइन फोर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा तो एग्जाम में पलट देगा इसको, कॉस फोर एक्स का पूछेगा तो उसी प्रकार से बनेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस फोर एक्स होता है ना सर जी, और साथ में एक्स के साथ जो गुणांक रहता है अवकलन में वो आगे चलाता है, बस ये देखो कौन सा ऑप्शन है। तो बी नंबर में कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस फोर एक्स होता है और साथ में एक्स के साथ जो गुणांक रहता है फोर वो आगे चलाता है। यहां पर देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में काफी इजी था, याद रखना बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखो फोर नंबर क्वेश्चन देखोगे तो लॉग कॉस एक्स पर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है, काफी ईजी है। तो लॉग का मतलब होता है लटका दो, तो कॉस ई पर एक्स को लटका देंगे मेरे प्यारे साथियों, और साथ में कॉस का भी एक बार करेंगे, क्योंकि देखो लॉग के बाद कौन आ रहा है कॉस, लॉग के तो 1/ x लटक गया। अब cos का भी करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन लगा दिया e का पावर x हो गया, और साथ में e का पावर x का भी एक बार कर देंगे तो e का पावर x आ गया, यानी कि sin / cos को क्या लिखते हैं तो tan लिखते हैं, तो माइनस का tan x हो गया, tan e का पावर x हो गया, साथ में e का पावर x भी आएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि x पर ये आप लोग का e का पावर x तीन वो दोस्तों फलन से बनेगा, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। नहीं समझ में एक और समझो, लॉ का मतलब होता है लटका दो, तो cos e का पावर x नीचे लटक गया डियर स्टूडेंट, और साथ में cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन e का पावर x होता है, और साथ में e का पावर x का डिफरेंशिएशन यही रह जाता है, साइन / cos tan होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे फाइव नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए। सुनने के भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो पहले साइन का करना, तो साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, यानी कि 2x कॉस एक्स के पावर स्क्वायर कहाँ पर दिया गया है 2x से दोस्तों, कॉस एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में का भी इजी है। साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का भी एक बार कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100% ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल आप लोग एकदम देर मत कीजिए, पूरा का पूरा एकदम देख लीजिए। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो कॉट का दोस्तों यहाँ पर पूछा है, तो कॉट का दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में होता है, यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में टैन इन बस एक्स का पूछेगा, तो इसका क्या होता है इसका क्या होता है 1/1 प्लस टैन एक्स स्क्वायर होता है, डियर स्टूडेंट क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये होता है टैन का, लेकिन कॉट का पूछेगा तो माइनस में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग को वायरल क्वेश्चन देंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना, जिससे आप लोगों को एग्जाम से पहले सभी का सभी क्वेश्चन मिल सके।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लॉग एक्स का डिफिनेशन पूछा। लॉग का मतलब होता है लटकाना, तो यहाँ से देख सॉरी यहाँ से आप लोग का ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। कहोगे ए नंबर ऑप्शन होगा सर जी, तो ए नंबर भी कर सकते हो। देखो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लोग का सही है, लेकिन लिखा गया एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से ए भी लगा सकते हो, बी भी लगा सकते हो, जो पहले आएगा उसको भी लगा सकते हो। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो लॉग का मतलब लटकाओ और लाउट का मतलब लटकाओगे तो 1/x आएगा, इसका ए नंबर हो जाएंगे, काफी ईजी है। लॉग का मतलब होता है लटका दो, बस इसको लटकाएंगे तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए आएगा। मेरे प्यारे साथियों काफी इजी है, आप लोग खाली चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर तो वायरल क्वेश्चन का बहुत छार कर देंगे मेरे प्यारे। देर नहीं करना ना, तो एग्जाम में भौकाल मचेगा ही नहीं, ठीक ना। डियर स्टूडेंट एकदम सब्सक्राइब करते हुए चलना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। देखो रूट एक्स रूट का मतलब क्या है, रूट का 2 √2 √x होता है, x की जगह 2 tan x जगह tan x को लिख दिया। देखो रूट के पास tan x आता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा। यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। काफी इजी कमाल का क्वेश्चन है, आप लोग धमाल कीजिएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। देखो बी नंबर हो जाएंगे, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक स्क्वायर होता है, और 2 √x का 1/2 √x होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। काफी इजी है, धमाल और कमाल करके आइएगा मेरे पहले साथ, तो मैं आप लोग का स्वागत करूंगा। चलिए यहां से देखिएगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन पूछा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, क्या सर जी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है? हाँ जी, अगर कॉस एक्स का पूछेगा ना डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का, तो उसका प्लस का साइन एक्स होगा मेरे प्यारे। बहुत है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। एकदम भौकाल मचा देना, कमाल करके आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे, ठीक ना। चलिए साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, कुछ नहीं करो मेरे प्यारे, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, साइन स्क्वायर यहां से लिख देंगे, और डी साइन एक्स का एक बार भी अवकलन करेंगे दोस्तों। यहां डी साइन एक्स को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो देखो साइन स्क्वायर का क्या होता है, 2 sin x होता है, 2 sin x होता है, और साथ में साइन का एक बार और करेंगे तो cos x आएगा। ये सूत्र होता है दोस्तों sin 2x का, किसका सूत्र होता है sin 2x का। sin 2x देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में काफी इजी है, 100% सेम टू सेम पूछेगा। आंसर भी याद कर लो, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग का sin 2x होता है, याद कर लो मेरे पहले जिसको समझ में नहीं आता है, sin 2x होता है, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो याद रखना इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा, काफी इजी है, 100% एग्जाम में पूछेगा। देखो कहा जा रहा है एक्स बराबर sin थीटा इतना देगा और वाई बराबर इतना देगा, तो वाई बराबर क्या देगा दोस्तों, वाई बराबर आप लोग को cos थीटा देगा, तो सबसे पहले वाई का अवकलन करना है, तो वाई का अवकलन करोगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, और साथ नीचे एक्स है तो दोस्तों एक्स का अवकलन करेंगे यानी कि sin थीटा का अवकलन करेंगे, तो यहां से आप लोगों को cos थीटा प्राप्त हो जाएगा, और इसको हम लोग दोस्तों माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, sin बटा cos को क्या लिख सकते हैं, माइनस tan लिख सकते हैं। यहां से देखोगे तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, काफी इजी था। नहीं समझ में एक और समझो, देखो y का अवकलन करोगे तो y में दोस्तों cos है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin होता है कि नहीं, बिल्कुल, और साथ में आप लोगों को x नीचे दिया गया तो x यानी कि sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसको हम लोग माइनस टेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का टेन लिखेंगे, माइनस का टेन देखोगे तो बी नंबर में काफी इजी क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जाए 2 sin² + cos² इसका दोस्तों आप लोग का क्या पूछा है, तो यहाँ से आप लोग को इसका दोस्तों मान पूछा है, sin² + cos², तो इसका 1 होता है 2 × 1 दोस्तों आप लोग का दोस्तों 2 बनता है, यानी कि 2 का डिफरेंशिएशन करना है, 2 का जब डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से 0 आएगा मेरे प्यारे साथियों। ए नंबर एकदम भौकाल मचा देना है, कमाल करके आना है, धमाल मचा देना है मेरे प्यारे। आप लोग को कह रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा 50K सब्सक्राइबर करा दीजिए मेरे प्यारे साथ, तो आप लोगों से बहुत खुश होगा मेरे प्यारे, एकदम सबसे पहले आप लोगों को आंसर की करूंगा। आप लोग एकदम जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छा दुआ लगेगा डीएसओ, जिससे एग्जाम आप लोग धमाल मचा देंगे। चलिए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x होता है, ये फार्मूला होता है, इससे आप लोग याद रखना, 100% एग्जाम में पूछता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x होता है, यहाँ से बी नंबर हो जाएंगे। काफी ईजी है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। आप लोग को 1/2 √x होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसीलिए बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए, कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉर्टेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहां से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, कॉर्टेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होते हैं। यहां से धमाल और कमाल करके मेरे प्यारे साथियों एकदम भौकाल मचा देना, सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक ना, याद कर लीजिए। 100% पूछेगा ये प्रश्न, मैं कहूंगा 150% पूछेगा, अंक को खाली चेंज कर देगा। क्या कहना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, बस इसी को लिख देना ई के पावर 3x। और ये बात आप लोगों को याद रखना, x के साथ जो रहेगा ना वो खाली आगे लिख दो, बस यही इसका राइट आंसर होगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अरे भैया नहीं समझ में आया, e के पावर 3x का 3x लिख दो और x के साथ जो गुणा करता वो आगे आ जाता है, इसी को लिख दीजिए। यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। 100% ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यकीन मानिए मेरे प्यारे साथियों, तब ना एग्जाम में धमाल और कमाल करके आओगे। चलिए ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेगा, यानी कि डी दोस्तों इसका मान जो होता है पाई बाय 2 होता है। क्या सर जी, अकेला पूछा तो पाई बाय 2 हो जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन के अंदर पूछा तो डी पाई बाय 2 का अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 दोस्तों कॉन्स्टेंट होता है। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते मेरे प्यारे साथियों, तो इसका 0 आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। एकदम एग्जाम हॉल में भौकाल मचा करके कमाल करके आना है, ताकि एग्जाम हॉल में धमाल मचाना मेरे प्यारे साथियों, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स क्यू आएगा, और एक्स क्यू का एक बार अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। यहां से देखोगे आप लोग तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, एकदम कमाल धमाल और भौकाल मचा करके आना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 12 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और साइन का डिफरेंशिएशन किए तो कॉस एक्स क्यू आएगा मेरे प्यारे साथियों, साथ में एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर आएगा। यहां से देखोगे ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 100% एग्जाम में बार बार पूछता है, 2022 में पूछा है, 23 में पूछेगा। टैन स्क्वायर पूछा है, कुछ नहीं करना है, टैन स्क्वायर पूछता है तो इसका डिफरेंशिएशन 2 टैन एक्स हो जाता है। ये स्क्वायर का ना डिफरेंशिएशन हुआ, तब ना 2 आ गया यार। अब टैन का करेंगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, यानी कि 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स कहाँ पर दिया गया है, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 100% इससे बार एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना भाई समझ के कर दीजिए, डियर स्टूडेंट एकदम भौकाल मचा देना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या कीजिए, गूगल पर जाइए, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, वहाँ से धमाल और कमाल कीजिए। और आप लोग मेरे प्यारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम भौकाल मचाना है तो देर मत कीजिए मेरे प्यारे, कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, 12 क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद वंदे मातरम, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा।